9 अगस्त को कल पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, अपहरण, लूट, हत्याएं, इनके विरोध में कल पूरे प्रदेश में सपा के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से धरना देंगे और लखनऊ में भी जिला मुख्यालय पर कल धरना होगा। इसके साथ साथ जो ईवीएम मशीन है इसको हटाया जाए और चुनाव बैलेट से हों, ये मांग भी की जाएगी, क्योंकि इस बात की संभावना है कि पूरे देश में चुनाव जो लोकसभा के हुए उसमें बड़े स्तर पर धांधली करी गई और ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं हो, इस बात की मांग भी कल धरने प्रदर्शन में की जाएगी। इसके अलावा किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान को उसकी उपज का मूल नहीं मिल रहा है, गन्ना किसानों का बकाया है, व्यापारी परेशान है, विकास का सारा काम ठप है और प्रदेश में लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश में जंगल माफिया राज कायम हो गया है, इसके खिलाफ कल सपा के कार्यकर्ता सभी पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अयोध्या राम मंदिर बाबत सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये स्पष्ट किया है कि 5 दिन अब मामले की सुनवाई होगी, आमतौर पर 3 दिन ही सुनवाई होती है, इससे पहले मध्यस्थता पैनल भी बनाया गया था जो फेल साबित हुआ, आपको क्या लग रहा है क्या राम मंदिर बाबरी मामले में जल्द से जल्द इतनी जो सुनवाई हो रही है कुछ फैसला आएगा? पिछले बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, समझौते के जो प्रयास हुए वो सफल हो गए हैं, केंद्र सरकार ने एक बार भी दोनों पक्षों को बुला के वार्ता नहीं करी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोज हो ये हम लोग चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला करे, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा दोनों पक्षों को उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो 5 वर्किंग डेज हैं लगातार सुनवाई करेगा और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या प्रकरण का हल हो जाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे दोनों पक्षों को सहर्ष रूप से उसे स्वीकार करना चाहिए। सर,